अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उमर फ्रॉम फिट डेंटल केयर फैसलाबाद ब्रांच। अच्छा, अक्सर पेशेंट दांत निकलवाने के बाद पेन में और इन चीज़ों में आते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि दांत निकलवाने के बाद किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस हैं आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। तो जिस जगह से हम लोग दांत को निकालते हैं, हम उसके अंदर नॉन वूवन कॉटन का एक पीस जो है वो पैक कर देते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि आप मुंह टाइटली बंद कर लें। ठीक है, ये जो पी कॉटन रखी होती है, अराउंड 30 to 45 मिनट्स तक एक उसको आपने बाइट करके रखना होता है, प्रेशर पैक देना होता है। इसके बाद उसको निकाल के आप आइसक्रीम खाएं, कोई भी ठंडी चीज़ आप इस्तेमाल करें, स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना होता डायरेक्ट। अगर आप पानी पी रहे हैं या जूस है तो आप उसको ग्लास में डाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा बार बार उस जगह पर आपने उंगली नहीं लगानी, ज़ुबान नहीं लगानी होती। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फॉर एटलीस्ट फॉर 1 वीक आपको जो है वो स्मोकिंग, वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर आप एटलीस्ट 1 वीक के लिए स्मोकिंग नहीं करें। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, आपने कोई गर्म चीज़ नहीं खानी, चाय वगैरह नहीं पीनी। इससे ये होता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती, होता है कि बार बार आपने कुल्ली नहीं करनी, रिंस नहीं करना। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 4 to 5 डेज पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप अच्छे से रिंस करें, गार्गल करें, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, स्मोकिंग, वेप और इस तरह की जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं इस पे ज़रा काबू रखें, इसको कंट्रोल करें। इससे ये होता है कि जो सॉकेट है वो प्रॉपर, जहाँ से ज़ख़म हुआ होता है वो प्रॉपर हील नहीं हो पाती, तो उससे फिर मल्टीपल इश्यूज़, पेन और एक्सेट्रा ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।